झारखंड में कोरोना की एंट्री, रांची में कोरोना के एक मरीज की पुष्टि, रांची उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने राजधानी वासियों से की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बरतें। जिला प्रशासन की अपील कि इस महिला के संपर्क में जो भी आए हैं वे स्वेच्छा से बाहर आए ताकि उनका आइसोलेशन किया जा सके और इस कोरोना की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाए जा सके। रांची उपायुक्त की अपील, 16 मार्च को राजधानी एक्सप्रेस के कोच B1 से जो भी रांची आए हैं वे जिला प्रशासन से संपर्क करें। कोरोना के कहर का असर पूरे विश्व में देखा जा रहा है, आम जनजीवन पूरी तरह ठप है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन, घर में रहने का निर्देश, केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना के लगाम लगाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। बात करें झारखंड की तो अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने से अछूता था, लेकिन मंगलवार को ये खबर आते ही कि राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ये खबर पूरे आग की तरह फैल गई। इस खबर से एक तरह से सरकारी महकमे में और आम जनों के बीच खलबली मचा दी। पूरे जिले को सील किया जा रहा है। झारखंड में हाई अलर्ट, लोगों से अपील कि घरों में रहें, सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। एक तरह से ये झारखंड के लिए खतरे का अलार्म है। सभी झारखंड वासी अनुशासित होकर केंद्र और राज्य का निर्देश का पालन करें। मालूम हो कि पिछले दिन रांची पुलिस ने हिंदपीढ़ी स्थित बड़ी मस्जिद से 17 विदेशी सहित 22 लोगों को पकड़ा था जो छिप कर रह रहे थे। पुलिस ने सभी को खेलगांव स्थित आइसोलेशन में भर्ती कराया था। सभी की जांच की गई थी, उसी में से एक मलेशियाई महिला, लगभग 22 वर्षीय मलेशियाई महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। ये सभी विदेशी अपने आप को धर्म प्रचारक बता रहे हैं। इस महिला को फिलहाल खेलगांव से भारी सुरक्षा के साथ रिम्स में शिफ्ट किया गया। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जमात के समय इस महिला के संपर्क में जो भी आए होंगे उनमें भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान कर रही है ताकि तत्काल इन्हें आइसोलेशन में भेजा जाए। कोरोना पॉजिटिव रांची में मिलने के साथ ही सरकार के तरफ से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य मंत्री उच्च स्तरीय बैठक कर झारखंड वासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर निर्णय लिए हैं। वहीं रांची पुलिस पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। बेवजह लॉकडाउन के दौरान घूमने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रांची के उपायुक्त महिपात रे ने रांची वासियों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सतर्क रहें। उन्होंने पुष्टि की है कि कोरोना का एक पॉजिटिव केस सामने आया है। सभी रांची वासियों को मेरा जोहार। कई तरह की अफवाहें आएंगी, आपसे निवेदन है कि किसी भी अफवाह पर ना विश्वास करें। रांची में एक कोरोना पॉजिटिव केस हुआ है, हम लोग सभी एहतियात बरत रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, घर से ना निकले और कुछ भी समस्या होने पे 1950 के माध्यम से जिला प्रशासन से जुड़े। धन्यवाद। वहीं रांची पुलिस अधीक्षक अनिश गुप्ता ने भी रांची वासियों से अपील की है कि घबराएं नहीं, संयम बरतें, घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। सभी रांची वासियों को मेरा जोहार, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि एक केस यहां पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, आप लोगों से आग्रह है कि आप संयम बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पे मत जाएं। जैसे जैसे जानकारी और आएगी आपको सूचित किया जाएगा। कृपया आपसे आग्रह है कि अपने घरों से ना निकलें और सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का पोस्ट, मैसेज, वीडियो जो कि अफवाहन हो उस पे ध्यान ना दें और ना ही उसको फैलाएं। आप तमाम लोगों से ट्रैवल इंडिया टीवी भी आग्रह कर रही है कि कोरोना के संकट और उसके संक्रमण को समझें। सावधानियां ही कोरोना से बचने का उपाय है। किसी भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं,
सामाजिक दूरियां अवश्य बनाए रखें, अपने और परिवार के साथ साथ देश और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाएं, बिल्कुल संयम बरतें, अफवाहों पर ध्यान न दें। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए रांची से मनोज शरण। ट्राइबल से जुड़े सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।